हेलो दोस्तों, विवेक साइंस ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सी ड्राइव पार्टीशन के बारे में। अगर आप भी आप अपने लैपटॉप के ड्राइव को पार्टीशन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम बारी बारी से स्टेप के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे ड्राइव को पार्टीशन कर पाएंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो ड्राइव हमारा है चार पार्टों में है। यहाँ पे हम एक और पार्ट करना चाहते हैं, तो अभी हम जो न्यू वॉल्यूम है इसको हम दो पार्ट में करेंगे। तो पार्टीशन करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे सर्च बार में डिस्क मैनेजमेंट करके सर्च कर लेना है। डिस्क मैनेजमेंट सर्च करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है, इंटर की प्रेस करिएगा। तो इस तरह से आपको विंडो ओपन होके सामने में आएगा, और जो भी ड्राइव आपके सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है जितना पार्ट वो आपको शो करेगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे जो दिस पीसी में था टोटल चार पार्ट में ड्राइव था। तो यहाँ पे एक है प्रभास डी नाम से, एक न्यू वॉल्यूम ई नाम से, एक एफ नाम से और एक सी नाम से। तो अभी हम जो न्यू वॉल्यूम ई है इसको हम पार्टीशन करेंगे दो पार्ट में। तो अभी हम अपने टचपैड के राइट की बटन को क्लिक किया हूँ। आप भी अपने अगर टचपैड यूज कर रहे हैं तो टचपैड या फिर माउस तो माउस को राइट क्लिक करिएगा, और इसके बाद आप श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करिएगा। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपका जो ड्राइव है जो आप पार्टीशन करना चाहते हैं, श्रिंक करना चाहते हैं, कितना उसमें टोटल साइज है और कितना उसमें अवेलेबल स्पेस है। तो 444 मीन्स 447 GB यहाँ पे MB में दिया हुआ है, इसलिए ये 447,000 दिख रहा है, मीन्स 1001 GB होता है। तो 237 GB यहाँ पे खाली है, 237,000 है, तो 237 GB खाली है इसमें। तो हम इसमें से 100 GB हम पार्टीशन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस, जितना आप श्रिंक करना चाहते हैं, जितना आप पार्टीशन करना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 100 GB करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 1 लाख डाल दिया, 1 लाख MB, चूंकि 1000 MB बराबर 1 GB होता है, तो हम यहाँ पे 1 लाख MB फिल कर दिए हैं। इसके बाद हम श्रिंक पे क्लिक किए। श्रिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक स्पेस मिल गया जो कि अनलोकेटेड है, और ये 97 GB बन के आया है, चूंकि जो MB होता है वो 1 GB जो होता है वो 1000 से थोड़ा ज़्यादा होता है, इस काम से 97.66 GB में आया है। इसके बाद इस पे हमें क्लिक करके और फिर से राइट क्लिक करना है और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको नाम आएगा जो आप ड्राइव का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो हम वी पे क्लिक कर दिए। वी पे क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम लेवल आएगा, तो आप इसमें जो नाम रखना चाहते हैं अपने ड्राइव को वो नाम रख सकते हैं। हम यहाँ पे विवेक साइंस ज्ञान रख देते हैं। ओके, विवेक साइंस ज्ञान रख दिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और हम इसे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे जो है ये अनलोकेटेड स्पेस था वो अब बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे चेक करेंगे तो और ड्राइव की तरह ये भी ड्राइव दिखने लगा। अब जो हमारा ड्राइव है वो पांच पार्टों में बट गया है। तो चलिए हम अब चेक करते हैं दिस पीसी में जाके जो हमने ड्राइव का पार्टीशन किया हो गया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे अब एक नया ड्राइव आ गया है जो कि एकदम पूरा खाली है, अभी हमने बनाया है, जो कि न्यू वॉल्यूम ई में से ये बन के यहाँ पे आया है। तो इस तरह से आप ये सिंपल स्टेप फॉलो करके आप अपने सिस्टम के ड्राइव को पार्टीशन कर सकते हैं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर किसी भी तरह की आप जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।